चिकन कढ़ाही या मटन कढ़ाही, बीफ कढ़ाही, किसी भी कढ़ाही के लिए बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा मसाला ये तैयार होगा। इसके लिए ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पीसी 1 टेबल स्पून और सौंफ 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ये है गरम मसाला, नहीं ये चाट मसाला है, गरम मसाला इधर साइड पे है, ये चाट मसाला है, चाट मसाला है 1 टीस्पून और ये 2 चुटकी अजवाइन है और टाटरी है 1/4 टीस उसका चम्मच, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम टाटरी, 1 पीस लेके ना तो आधा चम्मच से थोड़ी कम, ये इतनी इतनी है ये टाटरी और ये है गरम मसाला 1/2 टीस्पून। कुछ मसाले ये हैं, 3 से 4 इलायची ले सकते हैं, हरी इलायची और ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये दालदार चीनी जो इसके 2 पीस हैं छोटे छोटे से और एक बड़ी इलायची और जायफल का बहुत छोटा सा पीस है और ये जायफल जवत्री जो उसके साथ होती है ये उसके पत्ते हैं थोड़े से 1 से 2, तकरीबन 2 हैं और 2 से थोड़े से कम, बस ये ज़्यादा मसाला नहीं, मसाले में जाते बहुत कम सा जाता है और ये टोटल जो मसाला है ना 1 किलो के लिए काफ़ी है। अगर कुछ भी लेंगे ना बीफ चिकन या मटन तो 1 किलो के लिए ये मसाला बहुत सही फिट बैठेगा, बहुत ही मज़ेदार सी इससे कढ़ाही तैयार होगी जो कि आप इसे पेशावरी कढ़ाही भी कह सकते हैं, किसी भी कढ़ाही में डालेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। तो मैं इसे तमाम मसालों को इसमें डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम मसाले इसमें डाल के तो आप लोगों को पीस के दिखाती हूँ। अच्छी सी खुशबू आ रही है और कढ़ाही भी इंशाल्लाह ताला इससे बहुत अच्छी बनेगी। ये फ्रो अहमद हैं, उन्होंने कब फरमाइश की थी कि ये मैं कढ़ाही मसाला, वो काफ़ी मुझे मसालों की ही अक्सर फरमाइश करते हैं कि ये बना दो ये मसाला, तो ये मसाला भी आपका कंप्लीट हुआ जो आपने कहा था तो वो मैंने तैयार कर लिया। तो आप ये इसे ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा बना, कैसी चिकन कढ़ाही या बीफ या मटन जो भी आप बनाओगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कढ़ाही कैसी बनी, बहुत मज़े की बनेगी ये कढ़ाही इसकी इससे। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसे प्रेस करें और बेल प्रेस करने से ऑल ऊपर लिखा आता है उसे प्रेस करें तो मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मेरी हर वीडियो का। और जो अगर वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।